कार्यक्रम तो चलते रहते हैं, पहले से वहां कार्यक्रम लगा हुआ था मड़गांव में, बड़ा प्यारा गांव है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक गांव रहा है, मेरा भी बड़ा स्नेह है उस गांव से। कार्यक्रम लगा था, प्रधान के घर पे कार्यक्रम था, घर पे पहुंचे मैं तो अंदर चला गया, बस कुछ युवा आए, मास्क लगे हुए थे, ज्यादातर ने चेहरे ढके हुए थे, तो इसलिए कुछ के चेहरे खुले थे, ज्यादातर के चेहरे ढके हुए थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू की, वहां तक भी होता तो भी देख सकते थे। उसके बाद जो भारी पथराव छतों से हुआ है, और पथराव भी इंटरलॉक टाइल्स का हुआ है, तो ये तो है ही कि पहले से टाइल्स चढ़ाई गई, पूरी गली में अंधेरा किया गया, तो सब कुछ सुनियोजित था ऐसा लगता है। अच्छा सही तो लगी, ये तो राजनीतिक परिवेश अगर देखें तो कितनी निंदे घटना थी। ये तो जनता तय करेगी, इस तरह की घटनाएं कभी राजनीतिक क्षेत्र में देखी नहीं गई, ये इस तरह की प्लानिंग करके इस तरह से हमले हो, जान जा सकती थी, बहुत बच्चों के चोट लगी है, 15-20 गाड़ियां टूट गई हैं, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, और भगवान का शुक्र है कि सर पर ईंट नहीं लगी, इतनी भारी ईंट वो होती है, अगर वो सर पर लगती तो निश्चित रूप से जान जाती, तो शुक्रिया है कि किसी की जान नहीं गई। ठीक है, ओके उसको कोई कार्रवाई की जा रही है। देखिए युवा है, इनके पीछे षड्यंत्रकर्ता कोई और है जो पर्दे के पीछे, ये जरूर मैंने प्रशासन से कहा है कि षड्यंत्रकर्ता का पता निकाल के लाए, मैंने अपनी तरफ से कोई तहरीर कोई वो मैं नहीं चाहता युवाओं पर कोई कार्रवाई हो, उन्हें भड़काया गया बहकाया गया है किसी न किसी नाम पर, तो मैं चाहता हूँ खुद युवा साथी इस बात को समझे कि जो इस तरह की बात करता है वही उनका दुश्मन है, तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लोगों को बनाया हुआ सांसद हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई कार्रवाई किसी युवा का नहीं चाहता, आगे से इस तरह घटना लॉन्च के लिए क्या प्रशासन से कोई बात की गई है? न इन प्रशासन से मैं क्या बात करूं, मैं तो ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से मैंने बता दिया सारी घटना की जानकारी, षड्यंत्रकर्ता सामने आ जाए, जनता के सामने आ जाए, जनता के सामने उसका मुकाला हो जाए कि वो व्यक्ति जो भी है षड्यंत्रकर्ता वो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, उसके अपराध की सोच होगी ऐसा लगता है, तो ये राजनीतिक मामला है, चुनाव के जस्ट पहले अगर किसी की मौत हो जाती तो शायद ये हिंसा भड़काने की साजिश भी हो सकती है, तो साजिशकर्ता को मैं चाहता हूँ जरूर जनता के सामने रहे। शाम समय करीब 8:30 बजे थाना क्षेत्र खतौली के गांव मडकरीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी खतौली मय फोर्स के पहुंचे और इसके बाद क्षेत्राधिकारी खतौली और मैं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। यहां गांव में पहुंचकर जानकारी की गई तो ये पता चला है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया, उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।